हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चंद्रयान 3 के एमसीक्यूज को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आई रिपीट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सारे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने इसकी पीडीएफ नहीं ली है, जिन लोगों ने नोट्स परचेज किया है उनको आंसर की के साथ जो है ये पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी, वो मैसेज कर सकते हैं। और जिन्होंने नोट्स अभी तक परचेज नहीं किया है वो 399 में ये हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। एग्जाम के आखिरी 10-12 दिनों में ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा आपके लिए। और आर्मी स्कूल मैंने 3 times क्वालिफाई करा है, इसका बेनिफिट आपको यहाँ पे इस नोट्स में देखने को मिलेगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsinghsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हो चुकी है और सीधे जो है वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वेन डिड चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यानी कि चंद्रयान 3 जो है कब लैंड किया सरफेस ऑफ अ मून, मून के सरफेस पे ये कब लैंड किया। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 23 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 को। लेकिन एक और कैच है आप लोगों के लिए, ये जो 14 जुलाई 2023 लिखा हुआ है ये इसकी लॉन्चिंग डेट थी, याद रखिएगा ये इसकी जो है लॉन्चिंग डेट थी। ये भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जा सकता है, आगे वाले एमसीक्यूज में मैंने इस डेट को भी जो है मेंशन करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट, बात की जा रही है किसकी, चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर की। तो देखिए इनका नाम है वीर मिथु वेल और ऑप्शन ए आपको जो है सही आंसर इसका मिल जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसके मिशन डायरेक्टर कौन थे, ये तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे लेकिन मिशन डायरेक्टर का नाम क्या है। तो देखिए मिशन डायरेक्टर का जो नाम है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, मोहन कुमार। उनका नाम क्या है, मोहन कुमार, और इन्होंने जो है मिशन डायरेक्टर की भूमिका अदा कर दी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हाउ मच डिड द चंद्रयान 3 मिशन कॉस्ट, यानी कि चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने से लेकर लैंड कराने तक कम्युनिकेशन सारी चीजों को एस्टेब्लिश करने में कुल कितना खर्च आया है। तो इसका सही जवाब है 615 करोड़, और आदि पुरुष जो मूवी बनी थी वो 700 करोड़ में बनी थी। तो हम लोगों ने काफी बजट फ्रेंडली जो है ये मिशन किया था और सारे गोल्स को, सारे जो चेकबॉक्स है उसको क्लिक कर दिया, जो जो भी चाहिए था हमें, जो इमेज चाहिए थी, सॉफ्ट लैंडिंग चाहिए थी, साउथ पोल पे लैंडिंग चाहिए थी, और क्रेटर की यानी कि जो गड्ढे होते हैं चंद्रमा पे उसके फोटोज वगैरह चाहिए थी, सारी डिटेलिंग हमें मिली है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रिसेंटली स्पेस INC चंद्रयान मिशन हैज फेल्ड, ये फेल हो चुका है। अब बताना है आपको कि ये जो कंपनी है ये कहाँ की कंपनी है, ये बड़ा सवाल आता है। तो देखिए स्पेस इंक ये कंपनी का नाम है और ये प्राइवेट कंपनी है, याद रखिएगा ये कैसी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। अब बात आती है कि अच्छा ठीक है प्राइवेट कंपनी है तो कौन से कंट्री की ये कंपनी है। तो देखिए याद रखिएगा जापान, और ये भी लैंड कराना चाह रहा था लेकिन ये फेल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चंद्रयान 1 मिशन जो है जब लॉन्च किया गया था उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, बड़ा अच्छा सा सवाल है। तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के समय यह किया गया था और लाल किले पे भाषण देते हुए उन्होंने जो है 15 अगस्त 2003 को, जी हाँ 2003 को जो है इन्होंने ये बातें करी कि हम लोग जो है मून पे पहुंचने वाले हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हु इज नोन एज रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, आपका आपको लग रहा है ये अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर है तो देन यू आर वेरी रॉन्ग, ये अब्दुल कलाम का आंसर सही नहीं है आपके लिए। सही आंसर है के सिवन। अब के सिवन क्यों है रॉकेट मैन, इसका रीजन है देखिए इनके समय में, इनके टेन्योर में बहुत सारे सैटेलाइट, बहुत सारे रॉकेट जो है हम लोगों ने बजट फ्रेंडली बनाकर बहुत काम किया है यहाँ पे, और अलग अलग कंट्रीज के लिए भी हम लोगों ने जो है सैटेलाइट लॉन्च किया है। और इसरो जो है बड़ा ही हॉट टॉपिक बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में कि हम लोग जो है बजट फ्रेंडली का भी ध्यान रखते हुए हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च चंद्रयान मिशन लूनार 25 जो है किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब है रसिया, और रसिया के बारे में याद रखिएगा ये जो मिशन है लूना 25 ये 21 अगस्त को यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली थी लेकिन ये 20 अगस्त को ही जो है क्रैश लैंडिंग कर जाती है, क्रैश हो जाता है। सॉफ्ट लैंडिंग का टारगेट 21 को रखा गया था लेकिन ये 20 अगस्त को क्रैश हो जाती है, दुखद बात है। हमारा मुल्क कंट्री है कौन, रसिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन ऑफ अ चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 का मिशन क्या है। टू डेमोन्स्ट्रेट अ सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग, बड़ी अच्छी बात है कि हाँ सेफ और जो सॉफ्ट लैंडिंग है लूनार स्पेस पे ये करना था जो कि हम लोगों ने किया, अच्छी बात है। टू डेमोन्स्ट्रेट
रोवर रोविंग ऑन मूनर, यानी कि जो हम लोगों का रोवर है वो जो है मून के सरफेस पे घूमे और पिक्चर वगैरह ले, अच्छी बात है, ये भी सही बात है। टू कंडक्ट इन अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल हम लोग जो है कैटर को देखते हैं, वहाँ जो गड्ढे हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटा सा गड्ढा और बाहर का जो टेम्परेचर है दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस, आपको 50 डिग्री सेल्सियस का जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, सारे आंसर इसके क्या हैं, करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ चंद्रयान 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI आप जो इसे लगा सकते हो। चंद्रयान 3 की जो टोटल वेट है वो है 3900 किलोग्राम, कितनी है इसकी वजन, 3900 ग्राम, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं लैंडर की, किसकी बात हो रही है, लैंडर की, तो याद रखिएगा लैंडर जो है इसमें दो तीन पार्ट और भी है, लैंडर है इसमें, उसके बाद रोवर है जो कि मून के सरफेस पे घूमेगा टहलेगा, और मॉड्यूल, मॉड्यूल का काम क्या है, ये जो है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में काम में आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। Which of the following countries have successfully landed on a moon? Moon के surface पे किस किस country ने जो है successful landing करी है? America बिल्कुल सही बात है, Soviet Union सबसे पहले, India भी पहुंच चुका है, China भी पहुंच चुका है, लेकिन France जो है इसमें नहीं पहुंचा है। तो option आपका क्या सही होगा, 1, 2, 4, 5, देखो option में, और सही जवाब आपको मिलेगा option number D में, D के साथ आपको बढ़ना था आगे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द लॉन्च डेट ऑफ अ चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान 3 मैंने आपको वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये लैंड इसने जो है मून के सरफेस पे 23 अगस्त को करा था, लेकिन इसकी लॉन्चिंग हुई थी 14 जुलाई 2023। आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। द सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, इंडिया की जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है वो कहाँ है, बड़ा आसान सा सवाल है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। लेकिन जो जेन्युइन और कंसर्न स्टूडेंट है जो कि सच में पढ़ाई करना चाहते हैं, डीप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो देखिए आंध्र प्रदेश में जो है ये सैटेलाइट वहां पे क्यों है, इसका एक रीजन है कि बंगाल की खाड़ी है, चारों तरफ जो है वाटर जो आपको जो है सी मिलेगा, तो अगर किसी तरह से सैटेलाइट किसी तरह से प्रॉब्लम में आती है और वापस धरती पे गिरने के सिचुएशन में आती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे सी में उसे डंप करा सकते हैं, गिरा सकते हैं, इसलिए पहला रीजन मैंने आपको बताया। दूसरा एक और साइंटिफिक रीजन क्या है, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। द मिशन लाइफ ऑफ द लैंडर एंड रोवर इक्वल टू, अब आपको बताना है कि ये जो मिशन है लैंडर और रोवर का वो कितने दिनों का होगा। तो देखिए 1 मून डे इक्वल टू क्या होता है, 1 मून डे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आप समझ जाना, 14 अर्थ डे होता है ये, यानी कि अर्थ में जो 14 दिन होते हैं मून पे एक दिन के बराबर होता है, तो 1 मून डे ये चलेगा, लेकिन अर्थ डे की बात अगर हम लोग करें तो ये 14 अर्थ डे चलेगा, याद रखिएगा। दो बातों को ध्यान में रखिएगा, मून डे पूछ रहा है आपसे या अर्थ डे, इस पे ध्यान आपको रखने की जरूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग इन चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 में जो है क्या मिसिंग है, रोवर है, लैंडर है, ऑर्बिटर नहीं है। ऑर्बिटर जो है हम लोग चंद्रयान 2 का ही यूज कर रहे हैं इसमें, जिससे हम लोग जो है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर पाए, समझ पा रहे हो, प्रोपोर्शनल मॉड्यूल इसे कहा जाता है, कम्युनिकेशन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। व्हाट विल बी द डिजाइन ऑफ द प्रोपोर्शनल मॉड्यूल, देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शनल मॉड्यूल के बारे में, इसका क्या काम है, बॉक्स लाइक अ स्ट्रक्चर ऑन अ सोलार पैनल ऑन अ साइड विद द, देखो आपको मैं, वेट मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ देखो ये इसकी फोटोज है ना, इससे आप समझ पाओगे, आधा पार्ट तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो एक्चुअली आधा पार्ट जो है यहाँ देखो ये वाला पार्ट है, ये सिलेंडर की शेप आपको दिख रही है ना, इससे आपको पता चलना चाहिए था। अब देखिए सारे ऑप्शंस को आप अगर पढ़ोगे तो यहाँ देखिए चारों तरफ आपको जो है सोलार प्लेट भी दिखेगा, अच्छी बात है। अब देखिए काम की बात, हम लोग कैसे अपने काम की बात जो है यहाँ से निकाल लेंगे, वेट ये रहा फाइनली, तो ये देखिए बॉक्स स्ट्रक्चर था अभी मैंने आपको दिखाया जिसमें सोलार पैनल भी लगा हुआ था साइड तरफ और सिलेंडर टॉप पे था, ये तो सही है, बिल्कुल ट्रू है। दूसरे ऑप्शन को देखो, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर भी था, सोलार पैनल ऑन ऑल साइड, चारों तरफ दिखाया मैंने आप लोगों को, वहां पे सोलार पैनल भी लगे हुए थे। क्यूब भी था, स्पेयर ऑन अ टॉप, बिल्कुल सही बात है, यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा, वेट इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ये जो सारे ऑप्शन है यहाँ नन ऑफ द अबव है, हम लोग जो है इसके साथ जा सकते थे, बट जो सबसे पहला ऑप्शन है, सबसे पहले मैंने आपको बताया बॉक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है सोलार पैनल के साथ और सिलेंडर उसके टॉप पे है, तो यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखो रॉन्ग क्या हो गया, रेक्टेंगुलर शेप इसमें आधी अधूरी बातें लिखी गई थी और क्यूब शेप ऊपर में नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। द चंद्रयान 3 मिशन रोवर इज नॉन एज, रोवर का नाम क्या है ये आपको बताना है, तो देखिए
लैंडर का नाम है विक्रम, विक्रम जो है लैंडर का नाम है, याद रखिएगा, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। लेकिन प्रज्ञान जो है वो रोवर का नाम है, और ये जो है इंडिया का जो स्तंभ है, जो हम लोगों का प्रतीक चिन्ह है, नेशनल आइडेंटिटीज है, वो ये जो इसके जो फुटप्रिंट ये छोड़ता जाएगा, जब भी ये जो इसके जो रो व्हील्स हैं ये आगे बढ़ता जाएगा और नीचे जो है एक पट्टी बनते जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट मिशन चंद्रयान वन सेंट टू द मून? चंद्रयान वन जो है सबसे पहली शुरुआत हम लोगों ने करी थी, वो सबसे पहले कब करी थी? तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर 2008 को। और ये जो मिशन था इसका पता करना था कि प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर, हम लोग पता कर रहे थे कि मून पे जो है वाटर है अथवा नहीं, और इस बात को हम लोगों ने कहा कि हाँ मून पे वाटर है और नासा ने इसकी कंफर्मेशन दी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ मिशन चंद्रयान टू? चंद्रयान टू का जो है कौन सा पार्ट था मिशन, आपको जो बताना है कि ये कौन सा पार्ट था जो कि चंद्रयान मिशन टू में यूज किया गया था। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था, रोवर भी था, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चंद्रयान टू में हम लोगों ने इन सारे पार्ट्स को यूज किया था। चंद्रयान टू के बारे में पूछा गया है कि किस रॉकेट के मदद से हम लोगों ने ये काम करा था, तो देखिए MK3 इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म GSLV? GSLV का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया था, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंथोरेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु सक्सेसफुली सेंड देयर मिशन टू द मून फर्स्ट एंड व्हेन? सबसे पहले जो है बात आ रही है फर्स्ट और कब, तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन ने जो है इसे लूनार टू और 1959 में ये काम करा था इन्होंने, और वहां पे जो है जो अभी हम लोगों ने जैसे चंद्रयान नाम रखा है, इन्होंने नाम रखा था लूनार टू। चलिए आगे, लूनार टू। व्हेन डिड मैन रीच द मून फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? कब पहुंचा है मून के ऊपर? तो याद रखिएगा 1969 में, और बात किसकी की जा रही है, मैन की, किसी रोवर या फिर किसी लैंडर की बात नहीं हो रही है, मैन की बात हो रही है, तो 1969 में, 10 साल बाद। और इसमें अपोलो 11, इसके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है, यहाँ के जो लोग गए थे वो लगभग लगभग मरते मरते बचे थे, अपोलो 11 जो है, और नील आर्मस्ट्रांग जो है पहले इंसान थे जो कि यहाँ पे पहुंचे थे। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नील आर्मस्ट्रांग के बाद जो है सेकेंड पर्सन कौन था जो मून के सरफेस पे उन्होंने अपना पहला कदम रखा? बज एल्ड्रीन, इनका नाम है बज एल्ड्रीन, इन्होंने जो है अपना पहला कदम रखा था। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसरो कब स्टैब्लिश हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा 15 अगस्त को ये स्टैब्लिश हुआ है। कब? 1969 में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वुमेन आर इन कमांड ऑफ चंद्रयान टू? देखिए चंद्रयान टू में जो है विनीता और रितु, यहाँ पे इन साइंटिस्ट ने हम लोगों का जो है लीडरशिप करी थी, लेकिन दोनों अलग अलग फेज में थी। पहले प्रोजेक्ट में जो डायरेक्टर थी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उनका नाम था विनीता, और दूसरे नंबर पे रितु जिनका काम था, ये मैनेजर डायरेक्टर थी, ये जो है मैनेज कर रही थी इन चीजों को। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, सर्वेयर प्रोग्राम क्या है? सर्वेयर प्रोग्राम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये जो है किससे रिलेटेड है? तो देखिए ये जो रिलेटेड है अमेरिका, यानी कि यूएसए से ये रिलेटेड है, यूएसए नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया प्रोग्राम है। अब देखिए चांगाई फोर, बात किसकी की जा रही है, चांगाई फोर प्रोग्राम जो है किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? चाइना के द्वारा। देखो सी से चाइना, सी से चांगाई फोर। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये सवाल आप लोगों के लिए, अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया तो प्लीज इसका आंसर जरूर लिखें कि लॉन्चर जो था हम लोगों का चंद्रयान 3 का, उसका नाम क्या था? नीचे कमेंट करके आप लोग सभी बताएंगे। फिर से दोहरा दूं, 399 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो, यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हो, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।